भाई बाइक में भी करवा रहे हैं, टायर में हवा, क्योंकि अभी अलवर निकलने का प्लान है थोड़ा सा, तो तीन दोस्त जाएंगे साथ, तो बाइक में टायर वगैरह बाइक प्रेशर वगैरह पहले चेक कराना जरूरी है, बाद में कोई दिक्कत आए इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार करवा लेते हैं हवा और फिर एक बार निकलते हैं घर पे, और ओके तैयार, और फिर चलेंगे अलवर और दिखाएंगे आपको किसके लिए जा रहे हैं, क्या वहाँ से वीडियो वगैरह क्या ब्लॉग वगैरह बना के लाते हैं, तो फिर मिलते हैं जी भाई। तो भाई आज के नहा धो के और अपनी बाइक पे सेट वेट हो चुके, आज के अपने हेलमेट ले लिया देखो, क्योंकि भाई हेलमेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी पहले। और अपने आज के नीरज भाई आ रहे हैं शोपुर खड़े, अपने गुप्ता जी और अपने धीरू जी चारों चलेंगे, और वहाँ से फिर अपने धीरू बाइक भाई अलवर खड़ी है वहीं से ले लेंगे धीरू भाई की बाइक, अलवर जा रहे हैं, और वहाँ से धीरू बाइक लेके और फिर आगे आपको दिखाएंगे ट्रिप वगैरह पे कहाँ जाएंगे, वहाँ पे ट्रिप पे फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, और आपको दिखाएंगे अच्छे से ब्लॉग वगैरह कंटेंट बना के, और चलते हैं अभी और फिर दिखाते हैं आपको। भाई आज के अलवर निकल रहे हैं ना, तो भाई अपने बीच में चंदोली घाटी पड़ती है यहाँ पे एक गुप्ता, और आज के इसके अंदर हम भाई देख लीजिए धीरू जी नीरज जी हम और पीछे हमारी बाइक ये देखो, और ये भाई अपनी ये गुफा इसी के अंदर खड़े, भाई थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो यहाँ पे हवा का मज़ा ले लेते हैं भाई अपनी बाइक को, लेकिन थोड़ा भाई साइड का पीछे कोई आए तो खींच जाए सबको बाइक वगैरह खड़ी है यहाँ पे, और चल रहे भाई अलवर एक बार धीरू भाई की बाइक उठा लेंगे अलवर से, और बाइक उठा के और फिर जहाँ पे हम ट्रिप पे निकलेंगे वो फिर दिखाएंगे आपको अच्छे से ब्लॉग वगैरह बनाएंगे, और चलते हैं अभी फिर दिखाएंगे आप आगे से। भाई ये खड़ी अपनी बाइक आज के हमने सुजुकी की एजेंसी में, भाई यहीं पे थी अपनी धीरू जी की बाइक, और बाइक खड़ी है यहाँ पे, ये रही ये भाई अपनी धीरू भाई की बाइक, ये लिखा गोलू जीतू गोलू मतलब धीरू का बाइक निकने में घर पे, ये है भाई अपनी धीरू जी की बाइक बिल्कुल सरी सरी सोके एकदम चका चका खड़ी है, और अब इसका भाई एक बार पेमेंट वगैरह बिल वगैरह देख लेते हैं क्या बना है क्या नहीं बना, और फिर इसको लेकर निकलेंगे यहाँ से। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो स्प्लेंडर इसमें भाई शायद 1100 नंबर टायर है इसमें, हाँ 100 नंबर 1918 देखो कितनी प्यारी लग रखी है, ये भी एक नंबर मॉडिफाई करवा रखी है भाई ने, बाकी इनके भाई चालान वगैरह भी अच्छे ही होते हैं, मैंने भी एक बार कोशिश की थी भाई मन में कि मतलब लड्डर वाले तो मैं भी ऐसा टायर अपनी बाइक में, लेकिन यार क्या है परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है गाड़ी की बिल्कुल, गाड़ी ना भगती है ना एवरेज वगैरह निकालती है, तो ये लुक वगैरह फिर इसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो एक बार चलते हैं अंदर तो फिर दिखाते हैं आपको आगे के सीन्स। भाई ये बाइक आ रही है मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद लुक आ रही है मन को, अगर हो सकता है भाई ये कुछ सरप्राइज़ आपके लिए क्या पता, ये पकता है पक्का नहीं भाई 1K पे हो या 2K पे हो, लेकिन इन 1K या 2K में भाई आपके लिए सरप्राइज हो सकता है, देखो काफ़ी प्यारी लग रखी है भाई एक नंबर गाड़ी, और 6 गियर में है इसका शायद ना जहाँ तक मुझे पता है भाई ये 200cc प्लस है, मतलब 250 बता रहे 250cc इंजन है इसका, 6 गियर में है गाड़ी, बाकी देख लीजिए आप भाई सब्सक्राइबर्स हैं आपके हाथ में, तो आप तब चाहें तब करवा सकते हैं हमारे लिए बाइक रेडी, आपके ऊपर डिपेंड करता देख लीजिए। बाकी भाई एक ये है ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है भाई क्लासिक टाइप में, देखिए ये भाई 6 गियर में ही है ये बाइक भी, और इसका भी भाई 180cc प्लस इंजन है इसका भी देख लीजिए। बाकी ये अपने धीरू भाई, ये अपने धीरू भाई रहे, बाकी कोटेशन वगैरह का मतलब इस बाइक की कोटेशन ले रहे हैं मेरे लिए, और अपनी बाइक वगैरह का बिल भी बनवा रहे हैं, बाकी ले लेते हैं एक बार बिल वगैरह और फिर चलते हैं यहाँ से। भाई रास्ता पता बता के गूगल मैप ने यहाँ पे कोर्ट पे घुसवा दिया, गूगल मैप का भाई विश्वास न करें, जा रहे थे भाई बाला किला पे घुसवा दिया कोर्ट में देखो चारों तरफ ना ये कोर्ट वगैरह अपने, बाकी अपने नीरज जी देखो बाइक चला रहे हैं और एक अपनी धन्नो गाड़ी वो जा रही है आगे आगे, और अभी चलते हैं एक बार गूगल मैप के भरोसे चल रहे हैं भाई, और वहाँ पहुँच के फिर यहाँ पे आए थे पर्ची वगैरह कटवाने लगे, तो आज बोल रहे हैं कि आज भाई बाइक वगैरह की नहीं कटेगी पर्ची, आज सिर्फ गाड़ी जा सकती भाई, नहीं पता क्या वार की क्या दिक्कत हो रखी है भाई, सिर्फ गाड़ी ही जा सकती है इनके पास, जो पूरी गाड़ी होती है उनका भाई 1300 कब चल रहे यहाँ से भाई, देखो आगे आगे गई एक बाइक अपनी रही
भाई दोनों धनों को अपने खड़ी कर दी यहाँ पे, अपनी ये धनो रही और ये रही अपनी धीरू भाई धनो। और भाई सारे प्लान हो चुके हैं आज कैंसिल यार, गए थे किला देखने का तो था भाई मन में बाला किला, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, वहाँ पे उन्होंने बोला भाई हम बाइक आज के दिन, मतलब डेट फिक्स है भाई उनका कि बोलो आज दिन हम नहीं जाने देंगे हम बाइक को, बोलो आज दिन सिर्फ गाड़ी ही जा सकती है ऊपर। और गाड़ी का था भाई 1300 रुपये किराया, तो हमने भाई मैं कहा रहने दो 1300 रुपये वर्थ नहीं है बिल्कुल भी, और कभी देख के आ जाएंगे देखने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई बाकी जो जगह पड़ रही थी वो पड़ रही थी थोड़ी दूर, और इस वजह से थोड़ा हमें लग जाता टाइम, इसलिए भाई हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, हम गए नहीं कहीं भी। और अभी यहाँ पे रुके ढहरा में खाने के पीने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दुकान पे, और ये अपनी बाइक वगैरह खड़ी करके खा पी लेते थोड़े बहुत, फिर मिलते हैं आपसे। और ना भाई देखो रास्ते में रुके अभी अपना जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे छोटा मोटा कुछ खा पी के आ चुके हैं भाई हम, और ये खड़ी अपनी धनो, और ये खड़ी अपनी धीरू जी की धनो, और ये रहे अपने धीरू जी, और ये रहे अपने नीरज। देखो भाई फोटोग्राफी वगैरह करवाएंगे, पर्सनल बातें चल रही हैं अभी यहाँ पे, एक बार फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं फिर मिलते हैं। आज के भाई हम अलवर से, और ये देखो इतना फटा कर खेत में आज फ्लाइट आए, ये साली वगैरह रख के लेके आए हैं यहाँ पे, देखो साली वगैरह कर दी है और इस साइड में कर दी, क्योंकि यहाँ पे भाई पूरी है ना 8 मिनट का पास, और गाय वगैरह बहुत ज़्यादा आने लग गई है। और अभी देखो मम्मी यहाँ पे मिट्टी वगैरह खोल रही है, गड्ढा खोल करते हुए बाकी थोड़ी बहुत मिट्टी से गई ना वो वापस निकाल रहे हैं, बाकी अब यहाँ पे साली वगैरह रोकने के भाई यहाँ पे उस साइड में भाई हमने लगाई थी साली, यहाँ पे भी साली है उस साइड भी साली लगी हुई है, और भी लगी हुई है भाई साली इस साइड में भी साली लगी हुई है, बाकी तार वगैरह भाई करना पड़ेगा, तार भाई तार भी इस साइड में और उधर तक कर रखे हैं, बस ये यहाँ पे सामने भी हो रखे हैं तार, बस यहाँ पे बचे ये, बाकी एक बार गड्ढा वगैरह अच्छे से खोद देते हैं दोबारा, और साली वगैरह रोक देते हैं, गाड़ दिए भाई सारी सालियाँ देखो यहाँ तक कर दिए कम्प्लीट, और ये खड़ा अपना ट्रैक्टर ये कंप्लीट, और ये देखो सनसेट होने का टाइम हो रखा है, कितना प्यारा हो रखा है ऊपर का व्यू देख लो, देखो एक नंबर बिल्कुल। और अभी चलते हैं भाई अपने ट्रैक्टर को लेकर घर पे, और फिर दिखाते हैं आपको आगे के सीन्स। अभी आ चुके हैं जी घर, झाड़ दिए भाई अपने हल, और देखो अपने ट्रैक्टर भाई हो चुका है तेल कम, अब इसको पेट्रोल पंप पर लेकर चल रहे हैं,
क्योंकि इसमें फ्यूल करवाएंगे टॉप अप, और फिर हम जोड़ेंगे अपनी बाइक ट्रॉली, अपने पड़ोस के में जो ट्रॉली है वो जोड़ेंगे, और लाइन वगैरह रख के आनी भाई खेत में। तो देखूंगा शायद मम्मी पापा ही रख के आ जाएंगे, लाइन वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चलता हूँ, इसमें फ्यूल डलवाता हूँ, कर देते हैं अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट और चलते हैं भाई और पहुँच के पैर पंप पे, फिर मिलते हैं। चुके हैं जी पेट्रोल पंप के उत्ते, और लग गया अपने ट्रैक्टर में तेल, मोटा खर्चा होने वाला है, मोटा खर्चा। चलो भाई फ्यूल डलवा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी आ चुके हैं जी अपने घर, अंधेरा हो चुका भाई, शाम को वैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही थी, अभी खाना वैसे बना लिया सुबह का खाना। और ये देखो भाई, ये इंसान ना, उसको मैंने दो रोटी पहले खिला दी मेरे साथ साथ खा चुका ये, पर नहीं, इसको मेरा ही खाना खाना है। मेरा पेट बड़ी फुल भराओ, फिर जो मैं खाऊंगा उसको भी खाना है। देखो इस नज़र, देखो देखना, ये देखो, ये देखो कि मेरे मालिक जी क्या खा रहे हैं, वही खाना है इसको। लो भाई खाओ, मालिक का क्या खाना खाओ, लो खा गया। अब मेरे पास हो चुकी भाई रोटियाँ ख़त्म, खुद के लाया था डेढ़ रोटी, उसमें से आधी एक पहले खा चुका है, और अभी डेढ़ रोटी जो थी उसमें से भी एक टूटा ले गया। फिर बोलते हैं कि डॉग लवर, डॉग लवर, अभी बच्चे बन चुके हैं हमारे, डॉग लवर नहीं है हम, क्या बताएं, पाला था कुत्ता, कुत्ते का बच्चा पाला था हमने, इसका नाम रख दिया कालू, और अभी ये बच्चा बन चुका है हमारा, मेरा बच्चा बन गया अभी, अभी अपने आप को मेरा बच्चा ही समझता है। आएगा मेरे पास, डिमांड करेगा, लो भाई खाना दो निशान जी, आएगा लो भैया जी कुछ और खाने को दो, घुमा के लाओ भाई, भाई खोल लो अब मुझे, अब मुझे खिलाओ, अब मुझे खुजली करो, बच्चा बन चुका है बिल्कुल, क्या करूँ, देख लो। हाँ कालू जी आप भी कुछ बोल दीजिए, कालू जी नहीं आपकी नज़रें सही नहीं है, आप यहाँ से निकल लीजिए, चाय पी दीजिए मुझे, निकल लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आपकी, नहीं जाएगा भाई यहीं पर बैठा रहेगा। देखो इसकी हरकतें बिल्कुल ही भाई, बहुत ज़्यादा मतलब लाड़ प्यास रखता हूँ मैं इसको, और ये इतना ज़्यादा हो चुका है अभी ये, जिसकी कोई हद नहीं है, पर क्या करें यार, रखना भी पड़ता है यार, थोड़ा डॉग लवर का ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, बच्चा है खेलता कूदता होता रहेगा बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी देख लो पाँव के ऊपर सर रख के बैठा ये। चलो कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ भाई, और लाता हूँ थोड़ा सा खाना, इसको भी खिलाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी भाई, तो आज के अपने व्लॉग को कर देते हैं भाई यहीं पे एंड, और हमें भाई ये ज़रूर बताना कि आपको हमारी जो हमने आपको दिखाई थी जिक्सर SF, वो आपको कैसी लगी, एक बार ये कमेंट करके ज़रूर बता देना। और 1K पे लानी चाहिए या 2K पे लानी चाहिए, और कौन सी बाइक लानी चाहिए ये भी हमें भाई ज़रूर बता देना। बाकी उम्मीद आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको हमारा व्लॉग अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।